गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फैक्ट्रीज एक्ट का इंट्रोडक्शन समझा था, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट को बनाने के पीछे क्या कॉजेज थे उनको समझा, और क्या ऑब्जेक्टिव थे फैक्ट्रीज एक्ट के वो भी हमने डिस्कस कर लिए। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्रीज एक्ट किन पर अप्लाई होता है इसको समझेंगे, साथ ही जो डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट में उनको भी समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले जो फैक्ट्रीज एक्ट है, जो डेफिनेशन दी गई है फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लोज एम में, उस डेफिनेशन को समझते हैं कि फैक्ट्री का मतलब क्या है, हम फैक्ट्री या कारखाना किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझेंगे, इसको रीड आउट करेंगे और उसके बाद में मैं आपको इजी जो टर्म्स में समझाऊंगा कि फैक्ट्री का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रीसिंक्ट्स, ठीक है ना। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि जो एक ऐसा एरिया या कोई भी स्थान जहाँ पर बिल्डिंग और जो खुला एरिया होता है ओपन एरिया, उन दोनों को मिला के हम उस जो भी बिल्डिंग है उसको, जो भी एरिया है या जो भी किसी फैक्ट्री का एरिया या स्थान, उसको हम प्रीमाइसेस के नाम से जानते हैं। प्रीमाइसेस का मतलब बिल्डिंग प्लस ओपन एरिया, ठीक है ना। एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रीसिंक्ट्स, प्रिंसिक्स क्या होता है कि ये जो पूरा जो वॉल को कवर कर दिया जाता है, जो अंदर का पूरा एरिया है, वॉल कवर्ड एरिया यानी दीवार के द्वारा जो कवर्ड एरिया है उस पूरे एरिया को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग प्लस बिल्डिंग के बाहर का जो ओपन एरिया है जिसको हमने दीवार के द्वारा या वॉल के द्वारा कवर कर रखा है, ठीक है ना, उस पूरे एरिया को हम फैक्ट्री का नाम दे रहे हैं। Any premises including the precincts thereof in any part of which manufacturing process is carried out, है ना। कोई भी premises जिसमें जिसके किसी भी part में manufacturing process है वो की जा रही है, ठीक है ना। With or without the aid of power, ठीक है ना, with or without the aid of power, ये manufacturing process है वो एक प्रकार से manual हो सकती है, और with use of electricity या पावर, ठीक है ना, कोई भी फ्यूल के माध्यम से कोई ऊर्जा है, ठीक है ना, कोई शक्ति है, अब उसके माध्यम से की जा रही है, ठीक है। पावर प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 10% or 20% रिस्पेक्टिवली आर इम्प्लॉयड और वर इम्प्लॉयड, ध्यान रखना यहाँ पर दो बातें, एक तो है आर इम्प्लॉयड और दूसरा है वर इम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months, यानी कोई भी ऐसा प्रीमाइसेस भवन बिल्डिंग या परिसर, ठीक है ना, जिसके किसी भी हिस्से में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जा रही है और इस प्रकार के भवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पर पावर का यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल का यूज जो है उसका यूज किया जा रहा है, तो इस प्रकार के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पिछले 12 months जो कैलेंडर ईयर्स है उसमें कम से कम 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, या 10 व्यक्तियों ने पिछले 12 महीनों की अवधि में किसी भी एक दिन काम किया है, ठीक है ना। ये तो उसके बारे में जिसमें पावर का यूज किया जा रहा है। दूसरा, ऐसा परिधि या कॉम्प्लेक्स या कोई बिल्डिंग जिसके किसी पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जा रही है बट उसमें पावर का यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, उसमें पिछले जो 12 महीने हैं उसके किसी भी एक दिन कम से कम 20 वर्कर्स या तो काम कर रहे हैं या काम करते हैं, तो उन बिल्डिंग को, उन प्रमाइसेस को हम फैक्ट्री के नाम से जानेंगे। एक बार फिर मैं आपको बहुत ही इजी शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप समझे, एक विद पावर और दूसरा है
विदाउट पावर, विथ पावर यानी मिनिमम कितने होंगे 10 वर्कर्स, ठीक है, और विदाउट पावर मिनिमम 20 वर्कर्स। यहां पर आपको ये मेनली दो बातें ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा बिल्डिंग या भवन, कोई प्रीमाइसेज जिसमें पावर का यूज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, ठीक है, उसमें कम से कम 10 वर्कर पिछले 12 महीने है ना की अवधि में किसी एक दिन या लगातार कार्य कर रहे हैं तो उसे हम फैक्ट्री कहेंगे। जिसमें पावर का यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार की बिल्डिंग में प्रीमाइसेस के अंदर पिछले 12 महीने में किसी एक दिन कम से कम 20 वर्कर या उससे अधिक वर्कर है वो कार्य कर रहे थे या कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बिल्डिंग को या प्रीमाइसेस को हम फैक्ट्री के कैटेगरी में शामिल करेंगे। और प्रत्येक फैक्ट्री है ना जिसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इस प्रकार का हो, जिसे हमने अभी डेफिनेशन के माध्यम से समझा है, तो उस पर फैक्ट्रीज एक्ट लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो किस पर लागू नहीं होता है, तो एक तो इसमें क्या है कि जो माइनिंग एक्ट है यानी जो खान अधिनियम है 1952 के अंडर में जो माइनिंग इंस्टीट्यूट है या माइनिंग प्रोसेस है उस पर ये फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो एक प्रकार से जो मिलिट्री है ना, और मिलिट्री का जो मोबाइल यूनिट है, ठीक है ना, मोबाइल यूनिट मतलब क्या है कि जो एक प्रकार से यदि कहीं ऐसा यूनिट जो रास्ते में कोई ट्रक है मिलिट्री का वो खराब हो गया उसको ठीक करने के लिए, ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो मोबाइल यूनिट है जिसका काम एक प्रकार से जो रिपेयरिंग का है, ठीक है ना, जो ट्रक्स वगैरह है, जो इक्विपमेंट है, व्हीकल है मिलिट्री के, तो उन पर ये अप्लाई नहीं होता, वहाँ पर काम करने वाले लोगों पर अप्लाई नहीं होगा ये फैक्ट्रीज एक्ट। इसके अलावा जो रेलवे रनिंग शेड है, ठीक है ना, रेलवे रनिंग शेड ये एक प्रकार का ऐसा रेलवे के द्वारा जो ट्रेन के अंदर, ठीक है, ये जो रिपेयरिंग का काम करते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो रेलवे का जो पूरा एक जो ट्रेन ऐसा होता है वो जो रेलवे ट्रैक है उसके रिपेयरिंग का, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उसके रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उसको भी हम फैक्ट्री के अंडर में कवर नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो होटल है, रेस्टोरेंट है या जो भी खाने पीने के जो भी प्लेस हैं उनको हम फैक्ट्री के जो मीनिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं की जा रही है तो वो भी जो एरिया है वो फैक्ट्री में कवर नहीं किया जाएगा। फैक्ट्री में किसको कवर करना है ये आप इस डेफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें बहुत सारे जो डेफिनेशंस हैं वो दी गई हैं, जैसे वर्कर हम किसे कहते हैं और एक प्रकार से ऑक्यूपायर किसे कहते हैं, जो कैलेंडर ईयर्स किसे कहते हैं, यंग जो है मैन किसे कहते हैं, जो अडल्ट सेट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में डेफिनेशन दी गई है, उन डेफिनेशन को हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं देखें इस एक्ट में किस किस प्रकार के जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में 6 टाइप्स के जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट है हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस, सेकंड है सेफ्टी रिलेटेड प्रोविजंस,
थर्ड है लेबर वेलफेयर रिलेटेड प्रोविजंस, और फोर्थ है वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स, यानी जो एडल्ट्स हैं जो वयस्क हैं एडल्ट लेबर, ठीक है ना, वो कितने घंटे फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ यंग पर्सन, यानी किस प्रकार से जो यंग पर्सन है आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं फैक्ट्री में, ठीक है ना। यंग पर्सन का मतलब क्या है कि या तो वो बच्चे हैं या फिर वो एक प्रकार से किशोर हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चे का क्या मतलब है, या किशोर है जिसको हम एडोलेसेंट कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, इन दोनों को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो चाइल्ड है वो हम किसे कहते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन किसे कहते हैं। चाइल्ड का मतलब जो फैक्ट्री में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उसको एज के आधार पर हमने एक प्रकार से कैटेगराइज किया है। तो जिसने अपने 15 साल पूरे नहीं किए हैं अपने जीवन के, ठीक है ना, इस प्रकार के व्यक्ति को हम जो चाइल्ड के नाम से या बच्चे के नाम से जानेंगे। और जिसने अपने आयु के 15 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं परंतु 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उसको हम एडोलेसेंट या किशोर के नाम से जानेंगे। और फिर उसके बाद है कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति जो वर्कर्स के तौर पर कार्य कर सकते हैं, उन्हें हम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 18 साल कंप्लीट कर लिए, 18 ईयर्स, ठीक है ना, जिनका आयु 18 साल है या उससे ऊपर है, उनको हम कॉम्पिटेंट पर्सन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो यंग पर्सन हम किसे कहेंगे, यंग पर्सन का मतलब है कि जो या तो क्या है चाइल्ड है और या एडोलेसेंट, यानी जिसने अपने एज के 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए, 18 साल कंप्लीट नहीं किए, उसे हम यंग पर्सन के नाम से जानते हैं। यंग पर्सन में बच्चे भी हो सकते हैं और जो एडोलेसेंट है किशोर वो भी हो सकते हैं। मैंने आपको किशोर और चाइल्ड का दोनों का डिफरेंस बता दिया। चाइल्ड का मतलब जिसका आयु अभी 15 साल नहीं हुआ है, और एडोलेसेंट का मतलब क्या है, किशोर, जिसने 15 साल कंप्लीट कर लिए लेकिन जिसका आयु अभी 18 साल नहीं हुआ है, उसे हम किशोर या एडोलेसेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम जो यंग पर्सन्स है उनका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है फैक्ट्री में, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एनुअल लीव विद वेजेस, यानी जो वर्कर्स हैं उनको कितनी लीव मिलनी चाहिए, और उनका जो लीव मिलेगी उनका जो पेमेंट है, उनका वेजेस है, वो किस प्रकार से दिया जाएगा। तो ये उनके संबंध में ये सभी प्रोविजंस हम फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ेंगे। और आज हम शुरुआत करते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस, यानी जो हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस है उसमें क्या कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस जो फैक्ट्रीज एक्ट में दिए गए हैं वर्कर्स की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सेक्शन 11 से लेकर और 20 तक में डिफाइन किए गए हैं। और यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन्हें कवर करना है हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब क्या है, पूरा जो फैक्ट्री है उसमें वो क्लीन रहे, साफ सफाई उसमें रहे, ठीक है ना। तो जो मेन बात वो ये है कि फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन, है ना, फैक्ट्री में किसी प्रकार की जो एक प्रकार से जो गंदगी है वो नहीं हो, कचरा नहीं हो, है ना, फैक्ट्री साफ रहे, तो ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और इफ्लुएंट्स का मतलब क्या है कि जो भी अपशिष्ट और जो गंदे पदार्थ हैं, ठीक है ना, उनका सही तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए, उनका निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान बहुत सारा जो एक प्रकार से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलते हैं। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को हम सही तरीके से डिस्पोज करें, ताकि उन वेस्ट प्रोडक्ट के कारण जो वर्कर्स हैं उनके स्वास्थ्य पर, उनके हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वेंटिलेशन और टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जो कुछ फैक्ट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें जो ज़्यादा क्या है, जो
एक प्रकार से खिड़कियां नहीं होती है, ठीक है ना, और ज्यादा हवा के लिए उनके पास हवा का एक प्रकार से इनफ्लो नहीं होता, तो जहां पर वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर पर्याप्त वेंटिलेशन हो, प्रॉपर विंडो सिस्टम हो, ठीक है ना, एग्जॉस्टिंग फैन भी हो, ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर देखिए जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए ना तो ज्यादा कम टेम्परेचर सही है और ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा अधिक टेम्परेचर है वो सही है। तो जहां पर ज्यादा टेम्परेचर है वहां पर कूलिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को ज्यादा टेम्परेचर में काम नहीं करना पड़े और उनकी सेहत पर कोई भी एक प्रकार से बैड इफेक्ट नहीं पड़े। दूसरा, जहां पर टेम्परेचर देखिए एक प्रकार से कुछ ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जहां पर आइस फैक्ट्री है, हमेशा ह्यूमिडिफिकेशन रहता है, ठीक है ना, तो नमी एक बरकरार रखना है, तो जो भी एक प्रकार से जो टेम्परेचर है वहाँ का वो इतना ज़्यादा भी कोल्ड नहीं होना चाहिए ताकि कर्मचारियों पर के स्वास्थ्य पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो चाहे वेंटिलेशन की बात हो, हाँ एक प्रकार से, और हवा का निकास या फिर जो तापमान है फैक्ट्री का वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट है डस्ट एंड फ्यूम। डस्ट एंड फ्यूम का मतलब क्या है कि जो धूल है और जो धुआं है, ठीक है ना, धूल और धुआं उसके निकास की भी पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। ज्यादा डस्ट का सिस्टम है तो उसको कंट्रोल करना है ताकि देखिए यदि डस्ट वाली जगह कर्मचारी काम करेंगे तो उनको श्वास लेने में समस्या हो सकती है, ठीक है ना, इससे उनके स्वास्थ्य पर हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो फ्यूम है, ठीक है ना, वो उसका जो निकास करने के लिए एक प्रकार से जो घरों में जैसे चिमनी वगैरह लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, वैसा ही सिस्टम फैक्ट्रीज के अंदर होना चाहिए ताकि जो कर्मचारी है उनको श्वास लेने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। देखिए आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो एक नेचुरल जो एक मौसम में जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको हमें मेंटेन करना है। फैक्ट्री में क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये फैक्ट्री में ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो एक नेचुरल जो मॉइस्चर है हवा में वो हम नहीं मेंटेन कर सकते, तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन या नमी है वो मेंटेन करना है ताकि जो कर्मचारी है उनके स्किन पर उनके श्वास लेने में किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो नहीं, ठीक है ना। अब आप सबको पता है कि जहाँ पर देखिए हमेशा एक प्रकार से जो ड्राई वेदर रहता है तो उससे क्या है जो श्वास लेने में भी दिक्कत हो सकती है, जो वर्कर्स हैं उनके स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, तो एकदम ड्राई वेदर भी नहीं होना चाहिए, जो नेचुरल है क्लाइमेट उसी को मेंटेन करना है आर्टिफिशियली। यदि वो नेचुरल जो वेदर है या ह्यूमिडिफिकेशन है नमी है उसको यदि हम मेंटेन नहीं कर सकते तो, ठीक है ना, यदि नेचुरल है जो नमी है या ह्यूमिडिफिकेशन है वो ऑलरेडी मेंटेन्ड है तो फिर हमें आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना है, पर नेचुरल लेवल को, नेचुरल या जो प्राकृतिक नमी है वातावरण में यदि उसको हम बनाए नहीं रख पा रहे हैं तब हमें आर्टिफिशियली जो प्रयास करने हैं ताकि हम उस नेचुरल जो नमी के स्तर को बरकरार रख सकें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या है ओवर क्राउडिंग, ठीक है ना, तो हमें फैक्ट्री में इस तरीके के प्रयास करने हैं कि जैसे एंट्री का जो एक प्रकार से एंट्रेंस गेट है वो अलग हो और फिर उसका एग्जिट गेट अलग हो, इमरजेंसी गेट अलग हो, ताकि जो ओवर क्राउडिंग की जो समस्या है उससे हम बच सके और ज़्यादा भीड़ नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर क्या है कि कर्मचारी जो काम करने वाले हैं जो वर्कर्स हैं उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, और उनको कार्य करने में परेशानी आ सकती है, तो हमें ओवर क्राउडिंग की स्थिति को ठीक करना है और उसके लिए प्रयास करना है। उसके बाद है एडिक्वेट लाइटिंग शुड बी देयर, ठीक है ना, जो लाइटिंग है ऐसा नहीं हो कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उस जगह पर्याप्त जो रोशनी नहीं हो, लाइट नहीं हो, यदि
जरूरत से कम लाइट होगी तो फिर वर्कर क्या है कंफर्टेबली काम नहीं कर पाएंगे, और यदि लाइट ज्यादा होगी तो फिर क्या है कि उनकी आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो एक प्रकार से हाई पावर जो स्ट्रीट लाइट होती है जिसमें बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो इतनी रोशनी में क्या है व्यक्ति को आंखों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो लाइट का जो लेवल है वो ना तो कम हो ना ही ज्यादा हो, ज्यादा होगी तो आंखों को परेशानी, कम होगी तो काम करने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर, और जो जहां कर्मचारी या वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पर एप्रोप्रिएट जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, यानी जो गर्मी है उसमें जो एक प्रकार से जो कोल्ड वाटर है वो उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए वाटर कूलर वगैरह की व्यवस्था की जा सकती है, और विंटर के अंदर उनको थोड़ा जो गर्म पानी मिल सके या एक नॉर्मल पानी उन्हें दिया जा सके तो इस प्रकार की व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट है टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स, ठीक है ना। जो वर्कर्स कार्य कर रहे हैं उनके एक प्रकार जो टॉयलेट्स की व्यवस्था करना है उनके, और जो यूरिनल्स हैं उनकी व्यवस्था करना है मेल और फीमेल के लिए सेपरेटली। नेक्स्ट है स्पीटून्स। स्पीटून्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक पीक दान होते हैं स्पीटून्स, ठीक है ना। लोग क्या है या कई बार कुछ जैसे कोई खाना जैसे जो लोग सुपारी वगैरह है ना गुटखा वगैरह ये खाते हैं तो वो बार बार थूकते हैं, ठीक है ना, स्पीटिंग करते हैं, तो उसके लिए एक स्पीटून्स होने चाहिए ताकि हर एक जगह जो लोग हैं स्पीटिंग नहीं करें, ठीक है ना, गंदगी नहीं फैलाएं। तो जो थूक दान है वो जगह जगह, ठीक है ना, जहाँ पर भी उचित जगह उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये प्रोविजंस थे जो हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हें उस संस्थान में जो है उस संस्थान को इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है जिन पर फैक्ट्री एक्ट है वो अप्लाई होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।